वेलकम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम डिटरमिनेशन ऑफ पार्टिकुलर इंटीग्रल फॉर नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने नॉन होमोजेनियस के लिए CF के बारे में डिस्कस किया था। आज देखो PI कैसे निकालेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। The method of partial differential equation, the method of finding particular integral of non-homogeneous partial differential equation with constant coefficient are very similar to those ordinary linear differential equation with constant coefficient। मतलब आपके जो हम PI निकालेंगे नॉन होमोजेनियस के लिए वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा हम ऑर्डिनरी में निकालते थे, यानी कि साधारण अवकल समीकरण में जिस तरीके से हम PI निकालते थे उसी तरीके से लगभग लगभग इसमें भी ऐसा ही है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं केस वन की, जब फंक्शन ऑफ xy आपका किस फॉर्म में है, e की पावर ax + by में, और f(ab ≠ 0) है। ठीक है, तो इस केस में जो आपका PI होगा वो ये होगा। ठीक है, इसमें देखो हम क्या करेंगे, D को रिप्लेस करेंगे A से और D डैश को रिप्लेस कर देंगे V से। रिप्लेस D by A and D डैश by V, तो हमारे पास PI मिल जाएगा। अब अगर आपका फंक्शन ऑफ xy साइन और कॉस की फॉर्म में हो, ठीक है, साइन और कॉस की फॉर्म में हो, तो यहाँ पर हम देखो जैसे वहाँ पर करते थे, हम क्या करते थे, d² को -a² से रिप्लेस करते थे ऑर्डिनरी में, तो यहाँ पर भी यही करना है हमें, d² को रिप्लेस कर देंगे -a² से, d² को रिप्लेस कर देंगे -b² से, और d × d' को -ab से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन और कॉस का PI मिल जाएगा। शर्त यहाँ पर भी वही है, डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो, यानी कि आपके वही f(ab ≠ 0। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है आपकी दोनों, इस दोनों फंक्शंस के लिए, यानी कि e की पावर ax + by और sin ax + by और cos ax + by, इसमें आपके f(ab ≠ 0) होना चाहिए। तो हम इसका जो PI है वो डायरेक्टली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ गए बात। अगले केस में जब आपके fxy किसका है, x की पावर m y की पावर n का, तो वही केस है, वहाँ पर भी हम यही करते थे, आपका ये जो fd होता था उसमें इसको हम क्या करते थे, एक्सपेंड करते थे बाइनोमियल थ्योरम से। ठीक है, यहाँ पर भी हम यही काम करेंगे, fdd' को किससे एक्सपेंड करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम से। ठीक है, विच इज एबुलेटेड बाई एक्सपेंडिंग fdd' इज असेंडिंग पावर ऑफ d upon d' or d upon d' or d upon d' एज द केस मे बी। ठीक है, यानी कि जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसी को हम क्या कर लेंगे, डिनोमिनेटर में ले लेंगे, समझ गए बात को। तो इस तरीके से हम PI निकालेंगे। तीन केस मैंने आपको बताए हैं, fxy जब आपका इतना हो, fxy जब साइन कॉस में हो, और fxy जब आपके x की पावर m y की पावर n में हो। ठीक है, केस फोर्थ में देखते हैं हम, एक इस टाइप का भी आपको फंक्शन मिलेगा, fxy = v × e की पावर ax + y, जहाँ पर v आपका क्या है, फंक्शन ऑफ xy है, समझे बात को। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखो ये जो v होता है, इस v को हम क्या करेंगे, आगे ले आएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ले आए, और जो d है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, d + a से। ठीक है, और d' किससे रिप्लेस हो जाएगा आपका, d' आपका रिप्लेस हो जाएगा d' + b से, समझ गए बात को। देखो यही कर रखा है हमने, यहाँ पर fdd' है, और यहाँ पर क्या होगा, fd + a d' + b × v। अब ये वाला भी आपका कुछ भी हो, x का फंक्शन हो या y का फंक्शन हो या फिर आपके साइन कॉस का फंक्शन हो, इनके बारे में मैंने आपको अभी तीन केस में बताया कैसे निकालते हैं, तो वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको एक केस ये भी है, देखो f(ab = 0) हो जाता है। ठीक है, अगर f(ab = 0) हो जाता है, तो इस e की पावर ax + y को इधर ले आएंगे हम। ठीक है,
और यहाँ पर क्या बचेगा, वन बचेगा, और वन को हम इस तरीके से मेंशन कर लेंगे एक्स की पावर जीरो और वाई की पावर जीरो, और इसका हम पीआई निकाल सकते हैं। अभी अभी बताया था किस तरीके से एक्स की पावर एम वाई की पावर एन वाले फॉर्मूले से, समझ गए बात को। तो ये था आपके तीन चार केसेस। अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। देखो ये एग्जाम्पल है आपके, यहाँ पर ध्यान से देखना, डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश प्लस डी डैश माइनस वन इन टू जेड इक्वल टू साइन एक्स प्लस टू वाई। तो देखो डी स्क्वायर प्लस डी डैश इन टू डी प्लस डी डैश माइनस वन इन टू जेड इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, देखो ये डी स्क्वायर यानी कि फर्स्ट टर्म और ये माइनस वन, इसमें से मैंने एक साथ लिख लिया इसको और बाकी बची टर्म को ऐसे लिख लिया, समझ गए बात को। यहाँ पर मैंने फर्स्ट टू टर्म्स में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, तो ये इतना बन गया, और यहाँ से डी डैश कॉमन ले लिया तो ये इतना बन गया। अब पूरी टर्म्स में मैंने डी प्लस वन को कॉमन ले लिया तो हमारे पास इतना बच गया, ठीक है, इतना बच गया। अभी देखो अब हम कॉरस्पॉन्डिंग सी एफ लिखेंगे, तो डी प्लस वन की कॉरस्पॉन्डिंग जब सी एफ लिखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ई की पावर माइनस एक्स फाइव वन वाई, क्योंकि अल्फा बराबर तो माइनस वन है बट यहाँ पर बी बराबर जीरो है और ए बराबर वन है, तो हमारे फाइव वन वाई प्लस एम एक्स होता था, ठीक है, तो यहाँ पर एम बराबर जीरो हो गया, ये बी जो है यहाँ पर एम है तो एम की वैल्यू जीरो होगी, तो हमारे पास ये टर्म तो जीरो होगी, तो हमारे पास क्या बच गया फाइव वन वाई, ठीक है। फॉर्मूला हमारा क्या होता था, ये होता था ई की पावर माइनस अल्फा एक्स फाई वाई प्लस एम एक्स, ये फॉर्मूला होता था हमारे सी एफ लिखने का, ठीक है। यहाँ पर एम बराबर आपके जीरो हो चुका है, अल्फा बराबर आपके क्या है वन है, समझ गए। तो ये आपके इसके कॉरस्पॉन्डिंग सी एफ हो गया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग सी एफ ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम पी आई की बात करते हैं, तो पी आई बराबर दिस। अब देखो यहाँ पर साइन वाला फंक्शन है तो डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे और डी डैश स्क्वायर को भी रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पर डी स्क्वायर की जगह कितना लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर, और ए कितना है वन, तो माइनस वन हो गया। डी डैश स्क्वायर हमारे है नहीं है तो डी डी डैश को कितना लिखेंगे माइनस ए बी, तो कितना हो जाएगा माइनस टू, क्योंकि ए वन है और बी टू है, तो ये जब हम यहाँ पर सब्सटीट्यूशन देंगे तो हमारे पास ये बनेगा यानी कि डी डैश माइनस फोर। अब जब भी आपके डी डैश सॉरी जब भी आपके साइन और कॉस के फंक्शन होते हैं और अब इस फॉर्म में जब ये बन जाता है तो देखो ना तो इसमें डी स्क्वायर है ना डी डैश स्क्वायर है ना इसमें डी डैश इंटू डी है, तो अब हम क्या करेंगे इसको संयोगानुपात करेंगे यानी कि ऊपर नीचे अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। अपोजिट साइन से मतलब ये जो आपका डी डैश माइनस फोर है तो ऊपर भी डी डैश प्लस फोर लिख देंगे और नीचे भी डी डैश प्लस फोर लिख देंगे, ठीक है। तो नीचे जब डी डैश फोर लिखेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो नीचे कितना हो जाएगा डी डैश स्क्वायर माइनस सिक्सटीन ऊपर डी डैश प्लस फोर। अब वापस डिनोमिनेटर में डी डैश स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर देंगे माइनस फोर से, तो ये हो जाएगा माइनस के वन अपॉन ट्वेंटी डी डैश प्लस फोर इंटू साइन एक्स प्लस टू वाई। अब देखो ये जो डी डैश प्लस फोर इंटू साइन एक्स प्लस वाई इसका मतलब है डी डैश का डिफरेंस डी डैश इंटू दिस प्लस फोर इंटू दिस, ठीक है। अब डी डैश जब इसके साथ आएगा तो डी डैश का मतलब होता है डेल अपॉन डेल वाई इंटू साइन एक्स प्लस टू वाई, ठीक है, यानी कि साइन एक्स प्लस टू वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में तो हमारे पास इतना मिलेगा और ये एडिटिव रहेगा चार इससे मल्टीप्लाई हो गए, तो ये आपके क्या हो गया पी आई और ये आपके फाइनल आंसर हो गया। तो ये था हमारे नॉन होमोजीनियस के लिए हम पी आई कैसे निकालते हैं इसके बारे में था, ठीक है। देखो एक एग्जांपल और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं, ये रहा आपके पास, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, ये रहा आपके ये e की पावर टू एक्स माइनस वाई प्लस एक्स, ठीक है। तो पी आई सी एफ तो हम आसानी से लिख देंगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत बार लिख चुके हैं हम। पी आई की बात करेंगे तो ये आपके पी आई हो गया। तो अब दो फंक्शन आ गए तो मैंने इसको दो बार कर दिया, दो अलग अलग टर्म में ब्रेक कर दिया। इसमें देखो डी बराबर ए है और
डी बराबर ए मतलब टू और डी डैस बराबर बी मतलब माइनस वन। तो ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर हम दे देंगे, यहाँ पर देखो एक्सपेंड कर देंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक्स आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको वन माइनस फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है ना। वन माइनस फॉर्म में बनाएंगे तो इस वाली टर्म में तो वन माइनस आराम से बन जाएगा, माइनस वन कॉमन ले लेंगे, बट यहाँ से माइनस टू कॉमन लेंगे तब ये माइनस के फॉर्म में बनेगा। तो ये दोनों मैंने कॉमन लेके इतना लिख दिया और वन बाई टू आपके बाहर आ गया। यहाँ तो सब्स्टिट्यूशन दे दिया क्योंकि एफ ऑफ डी डी डे जीरो नहीं बन रहा था, तो यहाँ पर डी को टू लिख दिया और डी डेस को वन लिख दिया, तो ये आपके वन अपॉन टू ई की पावर टू एक्स माइनस वाई बच गया। यहाँ पर देखो इसको एक्सपेंड किया बाइनोमियल एक्सपेंशन में, आपको बता चुका हूँ पहले भी कि वन माइनस एक्स का और वन प्लस एक्स का बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, ठीक है। तो उससे मैंने इसको क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। अब देखो थ्री डी इस एक्सपेंशन को मैंने क्या किया, इतना सही लिखा है, बाकी टर्म्स को छोड़ दिया क्योंकि अगली टर्म्स में डी स्क्वायर आएगा। डी स्क्वायर मतलब इंटू एक्स, जब ये एक्स डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होएगा तो डी स्क्वायर इंटू एक्स का मतलब हुआ कि एक्स का डिफरेंशिएशन टू टाइम्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो वो जीरो हो जाएगा, इसलिए बाकी सारी टर्म जीरो हो जाएंगे। इसको सॉल्व कर लिया तो हमारे पास ये आपके पी आई आ गया। तो ये हमारा क्या है, पी आई है, सी एफ हमने ऊपर लिख दिया, दोनों को कंबाइंड करके लिख देंगे तो ये हमारे आंसर हो जाए। तो ये था हमारे आज का लेक्चर जिसमें हमने पी आई के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू।